फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पिटबुल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए तो किसको खरीदना चाहिए और खरीदना नहीं है वो किसको नहीं खरीदना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पिटबुल एक दुनिया की सबसे डेंजरस ब्रीड्स में से एक है, दुनिया की सबसे डेंजरस ब्रीड में से एक है। मतलब ये दुनिया की नंबर एक डेंजरस ब्रीड है। ये दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल पिटबुल और एक अमेरिकन पिटबुल। तो दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग होती है वो हमारे पंजाब के अंदर होती है। दोस्तों, ये ब्रीड जो नॉर्मल आदमी है या नॉर्मल घर के लिए लेना चाहते हैं, ये उनके लिए नहीं बनी। बिल्कुल भी आप इसको ना लें, ये बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, बहुत सी वीडियो वायरल होती रहती हैं, पहले भी होती थी, अब भी होती रहती हैं। तो दोस्तों, जो पिटबुल की अटैकिंग वीडियोस हैं वो बहुत वायरल होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपने ओनर के ऊपर भी अटैक कर देता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें उसने एक बफेलो को मार दिया था और फिर बाद में उस पिटबुल को उसके ओनर ने गोली से मारा था। तो दोस्तों, पिटबुल को थोड़ा सोच समझ कर ख़रीदें, क्योंकि ये बहुत डेंजर ब्रीड है। अगर आपने पहले डॉग रखा हुआ है और आप हैंडल करना जानते हो तो ही आप पिटबुल लेना, वरना आप बेशक से मत लेना, क्योंकि बहुत डेंजर ब्रीड है, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाती है। अगर आप पिटबुल के ओनर हो और आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो आपके ऊपर भी अग्रेसिव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, डॉग को जैसी ट्रेनिंग देंगे वैसा ही बन जाएगा। अगर हम कि पिटबुल को एग्रेसिव होने की ट्रेनिंग देंगे तो एग्रेसिव हो जाएगा, अगर हम उसे फ्रेंडली होने की ट्रेनिंग देंगे तो वो फ्रेंडली हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों, अगर हम लैब्राडोर को भी अग्रेसिव होने की ट्रेनिंग देंगे तो लैब्राडोर भी अग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पिटबुल का जो नेचर है ना, वो पिटबुल का नेचर है वो डेंजरस है। पिटबुल का नेचर होता है जो दोस्तों, वो बर्थ से ही एग्रेसिव होता है। तो दोस्तों, अब मैं बता दूं कि किन दोस्तों को या किन भाइयों को पिटबुल लेना चाहिए जो ये डॉग रख सकते हैं। जिन भाइयों का फार्म होता है या बड़े खेत होते हैं, जिनको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है, जिनको जंगली जानवरों से बचना होता है अपने खेत की या फार्म की या ऊन के लिए होता है, और जिनके पास खुली जगह है या वो ले सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है दोस्तों पिटबुल को। अगर आपने इसको ट्रेनिंग नहीं दी तो आप इसको समझ नहीं सकते और ना ही इसे आप रख सकते। तो फ्रेंड्स, जिनके पास बड़ी जगह है या जिन्हें पहले डॉग पाला हुआ है, वही पिटबुल लें, नहीं तो पिटबुल को नहीं लेना, वरना ये बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इनकी जो बाइटिंग पावर होती है ना, वो बहुत हार्ड होती है। ये नॉर्मल आदमी की एक झटके में जान ले सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं तो आप पिटबुल को बेशक से मत लेना, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिटबुल अगर आप ना ही लें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में पिटबुल के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको पिटबुल के बारे में कोई और जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट करके बताएं कि पिटबुल के बारे में क्या जानकारी आपको चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।